सुप्रभातम बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के पाठ 5 के पाठ 24 को करेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 40 होगा। और हमारा पाठ 24 में हमारा प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, पठंतु लिखंतु च आम अथवा न। तो पहला, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। तो फर्स्ट में आएगा बच्चों न। सेकंड, सज्जनः धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति हि। तो इसका आएगा बच्चों आम। सेकंड में लिख लीजिएगा आप आम। थर्ड है, अयम मम अस्ति सह परिकीयः अस्ति इति उदार जनः चिन्तयति। और थर्ड में आएगा बच्चों आपका न। फिर फोर्थ है, सज्जना नाम संगत्या मानव से उन्नति ही भवती ही। फोर्थ में आएगा बच्चों आपका आम। फिर फिफ्थ है, विदुषाम कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशा ए भवती। और इसमें आएगा फिफ्थ में आएगा आपका न। और दूसरा है आपका, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूर्यन्तु हो। ठीक है, तो बच्चों पहले निशान लगा लीजिएगा, जो प्रश्न नंबर 2 है, 3, 4, 2, 5, 1। फिर से देख लीजिएगा, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1। पहले को आपने यहाँ लिखना है, दूसरे को आपने यहाँ पर लिखना है, तीसरे को आपने थर्ड में लिखना है, चौथे को आपने फोर्थ में लिखना है और फिफ्थ को आपने फिफ्थ में लिखना है। बात समझ आ गई बच्चों। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 को, मंजूषायाम उचितम प्राय पदम चित्वा लिखंतु हो। तो उसमें वैसे ही नंबरिंग कर लीजिएगा, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3। तो जलम को आपने यहाँ पर भरना है, विदुषाम को आपने यहाँ पर भरना है सेकंड में, पृथ्वी को आपने थर्ड में भरना है, और अभिमानाय को आपने फोर्थ में भरना है, धते को आपने फिफ्थ में भरना है, धारिति को आपने फिफ्थ में भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक आज हमारे पार्ट 24 में। ठीक है बच्चों, इसको आपने भरने के साथ साथ इसको याद भी करना है, और शेष जो हमारा होगा उसको बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रश्न नंबर 4, 5, 6 होगा उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।